तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ कि हमेशा ऐसे बहुत से विद्यार्थी है जो अभी यहाँ पे हमारा अपना इंतजार कर रहे रिजल्ट का, और पूरी पूरी उम्मीद है कि हम अपना क्लास टेंथ पास कर लेंगे। लेकिन क्लास टेंथ पास करने बाद में आगे क्या, आगे हम कैसे क्या पढ़ाई करें? तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बताना चाहूँ कि जैसे ही आप क्लास टेंथ पास करते हैं तो आप एलिजिबल हो जाते हैं कि आप एनओ से ही अपना डायरेक्ट अपना क्लास ट्वेल्थ में अपना एडमिशन ले सके। या अगर आप बाहर अपना कहीं अगर लेना चाहते हैं, बाहर कहीं अगर आपको रेगुलर एडमिशन मिलता है तो बात वो अलग है। लेकिन मैं यहाँ पर आज आपको सिंपली आपको बताने वाला हूँ कि अगर आप क्लास टेंथ पास कर लेते हैं तो आगे जो है कि हम अपना ट्वेल्थ को लेकर कैसे क्या तैयारी करें। क्योंकि जब हम अपना क्लास ट्वेल्थ करते हैं तो क्या होती है कि कुछ स्ट्रीम होती है, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, तुम क्या करें। तो दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त राज शर्मा। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल से जुड़े नहीं हैं तो चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करें ताकि आईएनएस को लेकर आपको हर तरीके आपको हेल्प होती रहे। तो दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे आप क्लास टेंथ पास कर लेते हैं कि पूरी पूरी उम्मीद है कि जो है कि आप पास हो जाएंगे और क्लास ट्वेल्थ करना चाहते हैं, एन ओ से करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास तीन चीज़ें, एक आर्ट्स, एक कॉमर्स, एक साइंस। तो यहाँ सबसे पहले आपको देखना है अपना इंटरेस्ट, जी हाँ, कि आपका जो इंटरेस्ट है किस सब्जेक्ट में है, साइंस को लेकर है, कॉमर्स को लेकर है या आर्ट्स को लेकर है। क्योंकि हमें से बहुत से विद्यार्थियों का क्या होता है कि दूसरों का देखा देखी अपन ले लेते हैं, देखते हैं कि कुछ हमारे फ्रेंड है जो साइंस ले रहे हैं या कॉमर्स ले रहे हैं, चलो मैं भी वही ले लेता हूँ। या कई बार क्या होता है, घर वालों का प्रेशर होता है कि टेंथ पास कर ली है, अब अपना जो आगे जो है लेनी है, कॉमर्स लेनी है या साइंस लेनी है या कुछ और लेना है, तो घर वालों का प्रेशर होता है। कई बार क्या होता है कि दोस्तों के देखे देखी या फैमिली प्रेशर की वजह से या किसी न किसी वजह से अगर हम ज़बरदस्ती किसी और स्ट्रीम में जाते हैं तो ऐसे में क्या है कि हम ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएंगे। हो सकता है कि हमसे पास भी हो जाए लेकिन क्या है, ज़्यादा मार्क्स नहीं आएंगे। हो सकता है कि जैसे मैंने आपको बताया पास हो जाए लेकिन क्या है कि सिर्फ अपना थ्योरिकली पास हो जाए, प्रैक्टिकल नॉलेज ना के बराबर हो, आपको उसके बारे में एकदम जो है कि जानकारी ज़्यादा कुछ हो ही ना। यह कि आपने फैमिली प्रेशर के चक्कर में आके या किसी फ्रेंड्स को देखे देखी या उसकी बातों में आके आपने अपना आर्ट्स या कॉमर्स या साइंस ले ली है और उसके बाद आप देखते हैं कि जो है कि उसको करना आपके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है, आप वो सब्जेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, ये भी चीज़ है, तो ये भी आपको दिक्कत परेशानी होती है। तो मेरा ये सजेशन है कि आप सबसे पहले अपना देखिए इंटरेस्ट कि आपका किस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आगे चल के उस सब्जेक्ट को, उस स्ट्रीम से एडमिशन आपने लिया है पास होके आपको आगे उससे क्या फ़ायदा होने वाला है। अगर आपका मतलब से अपना क्लास ट्वेल्थ पास करने से है तो आप सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट को लें जिन्हें आप आसानी से पास हो सके। अगर आप अपना जो है कि किसी ना किसी बैंकिंग सेक्टर में जाना चाहते हैं, किसी ना किसी कॉमर्स लाइन में जाना चाहते हैं, तो ऐसे में यह है कि चलिए आप अपना जो है कॉमर्स साइड से आप कर सकते हैं। अगर आप किसी मेडिकल फील्ड में जाना चाहते हैं या अपना ऐसा कुछ करना चाहते हैं तो आपके लिए साइंस सही है। लेकिन जो भी है, इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका इंटरेस्ट कि ज़बरदस्ती आप मत लीजिएगा। क्योंकि ज़बरदस्ती आप ले लोगे, एक तो आपके लिए करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, आप हो सकता है कि जो है उसमें अपना पास ना हो, आप बार बार आपको एग्ज़ाम देना पड़े, तो ऐसे में आपका पैसा तो गया ही गया लेकिन साथ साथ यहाँ पर आपका टाइम बहुत ज़्यादा लगने वाला है। इसलिए आप जो है अपने इंटरेस्ट, अपने ज़रूरत, अपना फ्यूचर के हिसाब से ही अपना स्ट्रीम चुनिएगा, आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस। जी हाँ, ऐसा नहीं है कि अगर हाँ कि हाँ भाई साइंस है, साइंस साइड है तो बहुत अच्छा है, बहुत ऊपर है, बहुत ऐसा कुछ है, ऐसा नहीं है। आप अपना जो है कि आर्ट्स लेकर भी अपना फ्यूचर बना सकते हैं। जी हाँ, तो आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस जो भी है आप अपनी इच्छा से, अपनी मर्जी से, अपने इंटरेस्ट से चुनिएगा, उन्हीं सब्जेक्ट को लीजिएगा जो भी आप लेना चाहते हैं, जिनमें आपका मन लगता है, आपका ध्यान लगता है, और फिर उसी सब्जेक्ट को अच्छे से करके अपने एक अच्छा फ्यूचर आप बना सकते हैं। बाकी दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कई सारे जरूरी लिंक मिल जाएंगे जो आपके तैयारी में आपकी हेल्प करते हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।